नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि नवंबर से यानी 15 नवंबर से टर्म वन एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इस बार का जो टर्म वन एग्जाम है वो बोर्ड द्वारा यानी सीबीएसई बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। वैसे अभी तक जो बच्चे एग्जाम देते थे वो स्कूल बेस्ड एग्जाम होता था, स्कूल में ही एग्जाम होता था और स्कूल के टीचर द्वारा बनाए गए पेपर से ही उसका एग्जाम लिया जाता था। लेकिन इस बार से टर्म वन एग्जाम भी बोर्ड द्वारा ही लिया जाएगा और आपको ये भी मालूम होगा कि ये जो पेपर्स हैं वो सारे एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होंगे, यानी सारे क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस उसमें आएंगे। तो इस एग्जाम को देने के लिए, इस एग्जाम को लिखने के लिए बोर्ड ने एक ओएमआर शीट इंट्रोड्यूस की है। वो ओएमआर शीट कैसी है, किस प्रकार से आप उसको फिल करोगे, किस प्रकार से सारी डिटेल जो आपकी है वो फिल करोगे, साथ ही जो क्वेश्चन है उसके आंसर किस तरह से फिल करना है, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पर आप एक ओएमआर शीट देख रहे हैं, यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिल करना है। तो यहाँ लिखा एग्जाम या फिर एग्जाम आईडी, यहाँ पे आपकी एग्जाम आईडी लिखना है जो कि बोर्ड द्वारा दी जाएगी। अगर बोर्ड द्वारा एग्जाम आईडी नहीं दी जाती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टर्म वन। ध्यान रखे ये सारी जो चीजें हैं वो ब्लैक बॉल पेन से आपको फिल करना है। मैं यहाँ पे रेड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे से आपको दिख सके, इसलिए मैं रेड से लिख रहा हूँ। अदरवाइज आपको यहाँ पे ब्लैक बॉल पेन से ही फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी आपका है, जैसे मेरा मैथमेटिक है तो मैं यहाँ पे मैथमेटिक लिख देता हूँ, मैंने मैथमेटिक्स लिख दिया है। इसके बाद सब्जेक्ट कोड है, आपको मालूम है जैसे सब्जेक्ट कोड जो इसका मैथमेटिक का है वो 041 है, तो मैंने 041 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो भी एग्जाम इस समय बच्चे दे रहे हो। तो जैसे मेरा नाम है राजेंद्र तिवारी तो मैं यहाँ पे राजेंद्र तिवारी लिख देता हूँ। यहाँ पे एक गैप आपको रखना है, यानी आपका फर्स्ट नेम लिखना है, इसके बाद आपको गैप लिखना है, इस गैप देना है और इसके बाद आपका जो सेकंड नेम है या लास्ट नेम है वो लिखना है। ये मैंने लिख दिया राजेंद्र तिवारी। इसके बाद आपको अपने फादर का नाम लिखना है, यहाँ लिखा फादर्स नेम, तो फादर्स नेम लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ये मैंने फादर्स नेम भी यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद स्कूल कोड लिखा, स्कूल कोड जो भी आपके स्कूल का कोड होगा जो आपको पता ही होगा तो वो यहाँ पे स्कूल कोड आप लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर स्कूल कोड लिख दिया है। इसके बाद यहाँ जेंडर लिखा है, जेंडर में आपका जो भी आप मेल है फीमेल वो यहाँ पे आपको डार्क करना, देखिए यहाँ पे डार्क करता हूँ, ठीक है, इस तरह से आपको डार्क कर देना। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिखना है, जो भी आपने फॉर्म भरते समय डेट डाली थी आपकी डेट ऑफ बर्थ वही यहाँ पे लिखना है। तो 24 फिर 06 फिर 2005 ये डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रोल नंबर लिखा आ रहा है, तो रोल नंबर आपको बोर्ड द्वारा दिया जाएगा, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ये मैंने रोल नंबर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस रोल नंबर के नीचे जो ब्लॉक दिए हैं, जो सर्कल्स दिए हैं, उस सर्कल को भी फिल करना है। तो वन दिया है तो वन को फिल करेंगे, यहाँ पे सर्कल बनाएंगे अच्छे से, ये वन हो गया। इसके बाद नाइन है तो नाइन को फिल करना है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से नाइन फिल हो गया। फिर टू है तो टू को फिल करना है, फिर फोर, देन फाइव, देन सिक्स, देन सेवन, देन एट। ये आपने सारे जो रोल नंबर है वो आपने फिल कर दिए। ध्यान रहे यहां पे कि आपको सभी एक लाइन में केवल एक ही सर्कल को फिल करना है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने वन को इसमें फिल करा तो एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नाइन को भी आप यहीं पे कर देंगे, सबको यहीं पे ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज आपका पूरा जो पेपर है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे इसको, कोई भी गलत तरीके गलत जगह इसका सर्कल नहीं बनाना है जहां पर जो नंबर लिखा है। जैसे यहाँ नाइन लिखा है तो नीचे जाएंगे जहां पर नाइन है वहीं पर फिल करना है, ठीक है, इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्लास आती, क्लास आपकी जो भी है, जैसे फिलहाल मैं टेंथ क्लास में हूँ तो मैंने टेंथ क्लास के लिए फिल कर रहा हूँ, ये मैंने टेंथ क्लास के लिए फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है डेट ऑफ एग्जाम, जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा वो डेट यहाँ पे आपको डालनी है। जैसे कि सपोज करिए कि 15 नवंबर को आपका मैथ का पेपर होने वाला है, तो मैं 15 नवंबर यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है।
15 नवंबर 2021, इसको आपको पेपर होना है, तो मैंने वो डेट डाल दिया। फिर यहाँ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ डालना, अदरवाइज नहीं डालना। वैसे तो सभी बच्चे को यहाँ कोई सी भी डिसेबिलिटी नहीं है, तो आप नो पे यह डार्क कर देंगे। ठीक है, इस नो के ऊपर हमने डार्क कर दिया। ओके, ये ध्यान रखेंगे कि सभी जो सर्कल है उसको कंप्लीटली फिल करेंगे, किसी प्रकार से छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे आता है क्वेश्चंस, जो पेपर में 40 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में दिए होंगे उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे टिक करना है। सपोज करिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और उसका सी ऑप्शन आपको करेक्ट लगा, तो आपको यहाँ पे सी को सर्कल करना है। ये देखिए मैंने सी को सर्कल कर दिया। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे गए, हो सकता है आपको फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा हो अच्छे से और फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो, तो आपको ए को यहाँ पे फिल करना है, इस टाइप से सर्कल लगाना है। फिर कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, उसका आपका मान लो बी ऑप्शन करेक्ट है तो बी को आपको सर्कल कर देना है। किसी का आपको डी करेक्ट लग रहा है तो आपको डी को सर्कल कर देना है। ठीक है, किसी का आपको ए का ए लग रहा है तो आपको ए को सर्कल कर देना है। किसी का आपको सी का लग रहा है तो सी को सर्कल कर देना है। ठीक है, इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, सारे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो सभी के ऊपर आप इस प्रकार से सर्कल बना देंगे, सभी को डार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप पूरे अपने 40 क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये डिक्लेरेशन है, आप यहाँ लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो आपको वो सिग्नेचर करना है जो आपने एग्जाम फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किया था, वही सिग्नेचर आप यहाँ पे कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देता हूँ, ये मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए। यहाँ पे मुझे अपना नाम डालना है, यानी कैंडिडेट नाम डालना है, जो भी कैंडिडेट है, तो यहाँ पे ये कैंडिडेट नाम होगा। कैंडिडेट मतलब जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको कैंडिडेट बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट नाम भी डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे फिर से नेम डालना है, तो फिर से मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लास है तो मैंने क्लास 10th डाल दिया। सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक है तो मैंने यहाँ पे मैथ्स कर दिया। रोल नंबर जो भी मेरा था वो रोल नंबर यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, इस टाइप ये जो पार्ट है आपको ब्लैंक छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये जो इनविजिलेटर होते हैं, जो जिस समय आप एग्जाम देते हैं उस समय जो टीचर ड्यूटी पे रहते हैं उनको यहाँ पे आप डालना है, इसलिए आप इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा अपना जो OMR शीट है इस तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसी प्रकार की OMR शीट आपको एग्जाम में आने वाली है, तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से अच्छे से और बिना घबराहट के आप इसको कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर मदद मिलेगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जाए तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।